नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की मुख्य खबरों के साथ। इक्वाडोर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तटीय गुया क्षेत्र में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया है। इस भूकंप ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर के आसपास के क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति का कहना है कि एक शक्तिशाली भूकंप ने 14 लोगों की जान ले ली है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र का अपमान किया है। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी इन आरोपों को खारिज करते हुए आए हैं। अब बीजेपी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से इसकी जांच की मांग की है। वहीं जांच में ये सच साबित हुआ तो राहुल गांधी को संसद से निलंबित किया जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्य बारिश की चपेट में रहेंगे। बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई राज्यों में बारिश के साथ ओले पड़े हैं। सिनेमाघरों में एक तरफ रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्कार दर्शकों को लुभाने में कामयाब साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को दो अन्य फिल्में भी रिलीज हुई। इनमें से एक रानी मुखर्जी की मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे है और दूसरी कॉमेडियन कपिल शर्मा की जुगाटो है, जिसमें से रानी मुखर्जी की फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। वहीं कपिल शर्मा की फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। मुंबई के मीरा रोड में शनिवार को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान यहां महिलाओं के करीब 4,87,000 रुपए गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। उनके घर पर पुलिस की तलाशी अभियान और पीटीआई समर्थकों के बवाल के बीच कोर्ट ने इमरान खान का गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया है। इस बीच आज दोपहर 3 बजे इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 को लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया है। लाहौर ने लगातार दूसरी बार पीएसएल का टाइटल अपने नाम किया है। एक बेहद मजेदार मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग जीत लिया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस के जवान अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए जुटे हुए हैं। अब तक उससे जुड़े 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।